किया जाए ताकि कराची के लोगों को अच्छी जगहें, अच्छे पार्क मुहैया हो सके। ये इलाका जो है ये फैमिलीज़ के लिए हम ओपन कर रहे हैं, पहले भी फैमिलीज़ के लिए था ये, अब इसकी शक्ल काफ़ी बदल गई है। और मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट ये होगी कि इसको मेंटेन भी रखा जाए, बना तो हम लेते हैं, पौधा भी लगा लेते हैं मगर बाद में पानी डालने नहीं आते, उसको उसका ख्याल नहीं रखते हैं। और इतना खूबसूरत ये मुगल गार्डन बनाया गया है, उसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर ये कवर्ड एरिया जो है इसमें हम कोशिश करेंगे मुख्तलिफ इवेंट्स कराए जाएँ बच्चों के लिए, लोगों के लिए, कराची एक्स के लिए, ताकि उनको एक एंटरटेनमेंट का मौका मिले, स्पेस मिले, जगह मिले, हेल्दी एक्टिविटी की जगह मिले। ये केएमसी का काम भी है, केएमसी के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो जितना भी कर सक रहे हैं अपने अपने एरियाज में रहते हुए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं टू फैसिलिटेट पीपल ऑफ कराची। और इंशाल्लाह हम मज़ीद पार्क्स देंगे आने वाले वक्त में कराची में। प्रोजेक्ट है वो सिंध गवर्नमेंट के तौर से ये काम किया जा रहा है। और पिछली दफ़ा जब मेरा प्रोजेक्ट हुआ था और काम बड़ा स्लो चल रहा था तो मैंने जब पता किया तो कुछ इश्यूज के फंड से रिलेटेड, तो जैसे ही सिंध गवर्नमेंट फंड रिलीज़ करती है काम तो चल रहा है, काफ़ी काम बाकी है, हम तो बड़ी सख्ती से आगे जा रहे हैं। और पिछले जो एग्रीमेंट्स में उसके भी बहुत खिलाफ रहा हूँ, आज मैं खिलाफ हूँ, इसीलिए हम ने टेंडर करने जा रहे हैं ओपन टेंडर, जिसमें और लोग भी आएँ और पार्टिसिपेट करें। यहाँ तक कि अफवाहों का ताल्लुक है, केएमसी का भी इससे कोई कंसर्न नहीं है और ना पर्सनली मेरा इससे भी ताल्लुक है। हम चाहते हैं कि उस इलाके को और मज़ीद ज़्यादा बेहतर बनाया जाए आवाम के लिए।